मैं नमस्कार करता हूं और तय दिल से धन्यवाद करता हूं, आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और आप ही हमारी ओरिजिनल ताकत हैं। तो जैसे आपका जो एक क्वेश्चन था कि कई हमारे जो तीन चार मैच है एक एक दो दो पॉइंट की मार्जिन से हम लूज हो गए हैं। एक मैच टाई भी हुआ है इस सीजन। यस, दिल्ली से हमारा मैच टाई भी हुआ है। टाई के दौरान पे वहाँ भी एक और डेढ़ मिनट का टाइमिंग था तो हम वहाँ रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो वहाँ एक टेबल में बने रहने के लिए थ्री पॉइंट और वहाँ रिस्क होता है तो हार जाने में, वो पॉइंटों के लेवल के हिसाब से हमने वो मैच टाई किया। और जो हमारे दो तीन मैच और एक एक दो दो पॉइंट से गए हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक हुई है, यदि वो मैच हमारे हाथ में होते तो टेबल में हम ऊपर होते। अभी हमारे टेबल पे आठ में नंबर पे हैं और हम 37 पॉइंट लेके हैं, तो जो हमारी से ऊपर वाली जो टीमें हैं वो भी पॉइंटों के आधार पे हैं, 37 उनके भी हैं। जैसे हमारा एक मैच के पाँच पॉइंट आता है तो हम छठे पोजिशन पर हो जाते हैं। तो जो मिस्टेक के हमारे से हुई है डिफेंस से, तो वो हमने अभी यहाँ हमारे को चार पाँच दिन का मौका मिला प्रैक्टिस का, उसके ऊपर हमने प्लान बनाई है और करेक्शन और डिस्कशन किया है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे हम तीन साल के बाद में हम अपने होम ग्राउंड पर आए हैं और हर किसी टीम को इंतज़ार होता है अपने होम ग्राउंड पर खेलने के लिए, तो सेम ही हमारे को भी यही था कि हमारा होम ग्राउंड आएगा और उसके लिए हमने एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ पे हमने प्रैक्टिस करके अपने ग्राउंड पर उतरेंगे। तो वो सेम हमारी प्लानिंग है, हमारे चार मैचेज हैं। हमारा फर्स्ट मैच बंगाल के साथ में है, सेकंड हमारा पुणे रिपल्टन के साथ में है और थर्ड मैच गुजरात के साथ में, फोर्थ मैच हमारा बेंगलोर बुल्स के साथ में है। सभी की हमने अलग अलग प्लानिंग बना के अपनी जो करेक्शन थे वो पहले उसको डिस्कशन किया, प्रैक्टिस की और अच्छी प्रैक्टिस और एनर्जी के साथ पे हम अपने होम ग्राउंड पे उतरेंगे और हम चाहेंगे कि हम अपने सभी मैच विन करें। आपकी मेन ताकत क्या हुआ था जो पटना पैरिस ने, उसमें हम यहाँ पे देखा था खेलते हुए संदीप बहुत अच्छा कर रहा था, तो उसी टाइम से ही हमने मन बना लिया था संदीप पे कि भाई ये संदीप अच्छा है, इसको मौका देंगे और संदीप को लिया ऑक्शन से। उसके बाद में संदीप ने प्रैक्टिस में भी कैंप बहुत अच्छा निकला संदीप का और हमने ऐसा लगा कि भाई मतलब ये काम आ सकता है, और जिस भी मैच में हमने फर्स्ट राउंड में भी डाला स्टार्टिंग से भी और बीच में भी डाला है, तो टीम की सिचुएशन प्लानिंग के साथ में, और सबसे बड़ी बात ये है कि संदीप की दो एक स्टार रेडरों के बीच में रह के भी अच्छा परफॉर्मेंस देना, तो अभी ये उस टाइम भी मेरे पास ये क्वेश्चन आए थे कि भाई हमारे बिहार से यहाँ से पटना से हमारी पटना पैरिस अपनी टीम है और उसमें कोई भी खिलाड़ी अपना नहीं है, तो उस टाइम भी मैंने ये बोला था कि आप कंटिन्यूटी और रेगुलरशिप यदि ग्राउंड पर रहेंगे और अच्छी डाइट खाएंगे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से खिलाड़ी नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे और जो खिलाड़ी निकलेगा वो आगे प्रो में भी जाएगा और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पटना पैरिस की होगी। जो लड़का अच्छा होगा उसको टीम ने लिया भी है, आपके सामने आपका प्लेयर बैठा है और अच्छा कर रहा है अपनी टीम के लिए। हमारी ओफेंस का है, हमारे पास में दो बड़े स्टार रेडर हैं, सचिन है और मंजीत है, साथ के साथ दो युवा हमारे उनका सहयोग दे रहे हैं, सुधाकर भी और संदीप भी। जब भी सुधाकर को मौका मिलता वो भी अच्छा करे और संदीप भी, और दो स्टार रेडर तो हमारे पास में हैं, ये सचिन है और मंजीत, ये एक दूसरे के बराबर जो मैच होते हैं अच्छा करके दिखाया है, किसी मैच में ये नहीं है कि उसमें ये नहीं, हमारी मेन ताकत है। और दूसरी ये है कि भाई हमारा डिफेंस भी हमारी ताकत है, बीच में कभी मैचों में हो गया मिस्टेक होगी आगे से जो प्लानिंग के मुताबिक नहीं होगी, तो काफ़ी मैचों में डिफेंस ने भी बहुत अच्छा करके दिखाया, जो सचिन का और मंजीत का ऑफेंस का पूरे का उन्होंने सपोर्ट किया और जिस भी मैच के दौरान ऑफेंस और डिफेंस दोनों अच्छे खेले वो मैच हमने विन किया है, तो उसी प्लान के मुताबिक हम चलेंगे और ये हमारे को जो चार पाँच दिन का टाइमिंग मिला है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। जो मैच हमने एक या दो पॉइंट से हमने गुआए हैं जो निकले हमारे हाथ से उसके ऊपर हमने काम किया है और हम ये चाहेंगे कि वो मिस्टेक दोबारा ना हो और अच्छी एनर्जी के साथ में हम ये होम ग्राउंड पे हम अपने मैच खेले और विन हो। पॉइंट से खोए हैं वो सिचुएशन ऐसी होती है कई बार, क्योंकि उस समय जब प्लेयर खेल रहे होते हैं मैट पे तो फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतनी पब्लिक होती है, लाइट्स कैमरा उसके ऊपर प्रेशर उनके ऊपर प्लेयर्स के ऊपर, तो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार चला भी जाता है मैच।
अब दिल्ली के साथ जो हमारा टाई हुआ था उसमें हम ट्रेल कर रहे थे, हम पीछे थे, लेकिन हमने वो कर दिया। तो वैसे ही बेंगलोर के साथ, पूना के साथ बेंगलोर और मुंबई और जयपुर के साथ हम लोग लीड पे थे, लेकिन आते आते लास्ट टाइम 2 मिनट में प्रॉब्लम हो गई। गेम है कबड्डी के, गेम लास्ट 2 से 5 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है पूरा। हाँ, ये क्वेश्चन है, आपका नारा है गड़ला उड़ाने का फिर से, ठीक है? आपकी टीम अभी फिलहाल 8वें पायदान में है, राइट? तो आगे आप कैसे ले गए? नारा तो बहुत अच्छा है आपका गड़ला उड़ाने का, इस स्थान पे आपकी टीम हमारी होम लैग पे अभी 4 मैचेज है, उसमें हम अच्छा करेंगे तो हम टेबल पे बने रहेंगे। हमारे 4 मैच अभी, इसमें लैग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच हमें जीतने,